इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फैमिली में आपके साथ सिमरन। इस वक्त की बड़ी अपडेट की बात की जाए तो उज्जैन से है, जहां उज्जैन से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश से लगातार कुछ दिनों से कुछ ना कुछ वीडियो सामने आ रहे हैं, जिसमें मानवता को शर्मसार करने वाले वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरीके से मानवता को शर्मसार लोग कर रहे हैं। वही अपराधियों के हौसले भी इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि अपराध वो करते ही जा रहे हैं, और लगातार मध्य प्रदेश में से वीडियो सामने रहे। वहीं अब एक और उज्जैन से एक घटना सामने आई, जिसमें मध्य प्रदेश पुलिस ने कहा कि एक चौंकाने वाली घटना उज्जैन से सामने आई, जहां पर उज्जैन में पांच गली के कुत्तों पर तेजाब डालकर उनकी हत्या कर दी गई। जी हाँ, जानवर को भी अब लोग नहीं छोड़ रहे हैं। उज्जैन के पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र शुक्ला ने बताया कि पीपल फॉर एनिमल पीएफए के सदस्य प्रियांशु जैन की शिकायत पर पुलिस ने शुक्रवार की देर शाम पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ नागझिरी थाने में प्राथमिकी दर्ज की है। महालक्ष्मी नगर ब्रिजराज परिहार निवासी ने शुक्रवार की सुबह सड़क पर कुत्तों को दर्द से मरते देखा। वहीं परिहार ने कहा, मैं कुत्तों को पशु चिकित्सालय ले गया, जहां से उन्हें इंदौर रेफर कर दिया गया, जहां उनकी मौत हुई। शाम को पीएफए सदस्य प्रियांशु जैन को घटना के बारे में पता चला और वो परिहार में शिकायत दर्ज कराने उज्जैन आ गए। जैन ने कहा, ये जानवरों के खिलाफ सबसे जघन्य अपराध है। कुत्ते के साथ ऐसा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी को पकड़ने की कोशिश कर रही है सप्ताह, लेकिन आपने बड़ा अपडेट जाना कि किस तरीके से उज्जैन से चौंकाने वाले मामले सामने आए। जानवर तक तो अब कोई नहीं छोड़ रहा, पांच कुत्तों के ऊपर उनके ऊपर तेजाब डाल दिया गया, किसी ने तेजाब डाला है, जिसकी भी पुलिस जांच कर रही है, पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आरोपी को जल्द पकड़ कर उसको जेल के पीछे डालेगी। सबका बड़ा अपडेट आपने जाना, और वही उन कुत्तों की मौत भी हो गई है।